नमस्कार, आज मैं ड्राई नट चॉकलेट बार बना रही हूँ। उसके लिए मैंने लिया है चॉकलेट, ये मैंने नॉर्मल एंड डार्क चॉकलेट मिला के लिया है। ये 100 ग्राम्स है, 100 ग्राम है लगभग। और मैंने लिया है ये ड्राई फ्रूट मेवे, जिसमें अखरोट, ये काजू, पम्पकिन सीड, पिस्ता एंड बादाम है, ये भी 100 ग्राम्स ही है। सो सबसे पहले मैं सारे ड्राई फ्रूट्स को थोड़ा ड्राई रोस्ट करूँगी सो दैट ये और क्रंची हो जाए। सो पैन ले लेते हैं, उसमें सारे ड्राई फ्रूट्स डाल देते हैं, अखरोट, काजू, बादाम, पिस्ता एंड पम्पकिन सीड। तो थोड़ा सा हम रोस्ट करेंगे, बस इतना कि कलर चेंज ना हो। कलर चेंज होने के पहले ही इसको हम निकाल लेंगे। तो बच्चे तो ये खाते, चॉकलेट बच्चों को तो पसंद ही होता है बहुत। उसमें नट्स डाल के बना दें तो थोड़ा हेल्दी भी हो जाएगा बच्चों के लिए, और कोई भी खा सकता है इसको, नॉट ओनली बच्चे। थोड़ी सी आवाज़ आना शुरू हो गई है, स्मेल भी आना शुरू हो गई है। ये बस हो गया है, और बस करके इसको फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने देंगे। सो ये ठंडा हो गया, अब इसको काट लेते हैं, छोटे छोटे पीसेस में कट करेंगे ताकि जब ये बार बन जाए उसको कट करना इजी रहे। बड़ा पीस रहेगा तो उसको कट करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, ऐसे छोटे छोटे पीसेस में कट करना है। बादाम को भी काट लेते हैं, ऐसे ही पिस्ता और काजू को भी काट लेंगे। पिस्ता ऑलरेडी बहुत छोटा है सो उसको दो पीसेस में करेंगे, बहुत है उतना। काजू को काटेंगे जो बड़ा होगा, पम्पकिन सीड छोटा है उसको नहीं काटते, ऐसे ही रहने देते हैं। सो सारे नट मैंने काट लिए हैं, ये देखिए हो गया ये। और अब चॉकलेट को मेल्ट कर लेते हैं। चॉकलेट को मैं डबल बॉयलर में नहीं डाल रही हूँ, मैं ऐसे ही इसको डायरेक्टली आंच पे मेल्ट करूँगी। उसके लिए मैं 2 स्पून मिल्क डाल देती हूँ, दूध डाल देती हूँ, और एकदम धीमी आंच पे इसको मेल्ट करेंगे तो चॉकलेट जलेगा नहीं। इसमें सारे चॉकलेट को डाल देते हैं, आंच को एकदम धीमी रखेंगे। आप चाहें तो इसको डबल बॉयलर से भी आप मेल्ट कर सकते हैं। ये धीरे धीरे अपने आप अभी मेल्ट होने लगेगा।
होना शुरू हो गया है। चॉकलेट मेल्ट होने के बाद थोड़ा इवनली नहीं मिक्सअप हुआ रहता है, तो उसको हम मेल्ट होने के बाद थोड़ा स्पून से मिला देंगे एक मिनट, तो वो अच्छे से बन जाता है, स्मूथ दिखता है। फिर बची हुई चॉकलेट अगर मेल्ट नहीं हुई हो तो भी वो सॉफ्ट हो गई होगी अब तक, तो गैस को बंद कर देते हैं और इसको हम स्पून से प्रेस करके मिक्स कर लेंगे, तो ये मिक्स हो जाएगी आराम से। अभी देखने में ये ऐसी है, इसको थोड़ा मिक्स करेंगे, ये स्मूथ बन जाएगा। और अगर ड्राई लग रहा हो बहुत ज़्यादा तो उसमें एक स्पून और मिल्क मिला सकते हैं, तो मैंने एक स्पून और डाला इसमें और इसको मिक्स कर लूँगी। सो इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। ये हो गया है मिक्स, अब इसमें सारे नट्स मिला लेंगे और इसको मिक्स कर देना है। तो ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। अगर आपको ये ड्राई लग रहा है मिक्स करने के टाइम पे भी, तो उसमें एक दो स्पून आप और मिल्क इसमें डाल सकते हैं। बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसको किसी स्क्वायर या रेक्टेंगुलर डिब्बे में या कंटेनर में डालते हैं, सो दैट ये बार का शेप आ जाए इसमें। को ऊपर से बराबर कर लेंगे। सो ये ऊपर से मैंने बराबर कर लिया है। थोड़ा और कलर इसमें डालने के लिए मैं ऊपर से थोड़ा इसमें क्रश्ड पिस्ता डालूंगी। इसको हल्का हल्का सा हाथ से प्रेस कर देते हैं और बस हो गया। इसको आधे घंटे के लिए हम फ्रिज में डाल देंगे, सो दैट ये थोड़ा जम जाए, तो फिर इसको हम कट करेंगे। इसको मैंने फ्रिज से निकाल लिया है, इसको हम साइड्स पे नाइफ से ऐसे ऐसे कर लेंगे। इन केस ये नहीं निकल रहा है तो इसको हम नीचे से किसी गर्म पानी में, किसी बर्तन में गर्म पानी लेके उसमें आप एक मिनट के लिए डाल दीजिए, आराम से ये निकल जाएगा। और इजी करना है इसको तो आप इसमें प्लास्टिक लगा के इसको डाल सकते हैं, सो दैट ये इजीली निकल जाए। इसको फ्लिप कर लेती हूँ मैं। इसको कट कर लेते हैं आप।
ऐसे करके सारे काट लेंगे। मैंने इसको कट कर लिया सारा, ये देखिए, क्योंकि इस गर्मी बहुत ज़्यादा है तो नीचे से मेल्ट होने लगा है। इसको आप किसी कंटेनर में करके फ्रिज में रख सकते हैं, या फिर आप सिंगल पीस, एक एक पीस को प्लास्टिक में रैप करके भी रख सकते हैं ताकि इजी रहे निकालना। और कैसा लगा आज का मेरा वीडियो आपको? अगर पसंद आए तो प्लीज़ इसको ट्राई करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए एंड हिट द बेल आइकन सो दैट आपको सारी मेरी वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहे। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है कुछ भी कुक करने में, जितनी भी मेरी रेसिपीज़ है, तो उससे रिलेटेड आप कोई भी क्वेश्चन मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूँगी। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार।